हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यापम की जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 18 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 17 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उन्हें देख लीजिए। और दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए। दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, जहां पर मैंने एमपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, दोस्तों व्यापम के लिए हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। तो आप वहां से जाकर भी आप उन सारे लेसन को देख सकते हो और आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अनअकैडमी पर फॉलो करने से ये होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो वहां पर अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है कि यदि पांच प्रेक्षणों एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस तथा एक्स प्लस आठ का माध्य कितना है, 11 है, तो अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य आपको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एवरेज का ही क्वेश्चन ये होता है। यदि पांच प्रेक्षणों x, x प्लस टू x प्लस फोर x प्लस सिक्स तथा x प्लस एट का जो माध्य है वो कितना है, 11 है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर माध्य देके क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि पता नहीं किस टाइप से होगा, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो पूछा क्या है, अंतिम तीन प्रेक्षणों का आपको माध्य ज्ञात करना, माध्य मतलब औसत। तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या गिवन है दोस्तों आपके पास कि यहाँ पर x है, देन यहाँ पर क्या है x प्लस टू है, फिर यहाँ पर क्या है दोस्तों x प्लस फोर है, फिर यहाँ पर है x प्लस सिक्स, देन क्या है x प्लस एट है, और इनका जो माध्य है या औसत का है हम तो कितना है, 11 है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 5 है। मतलब बोला भी क्या है, पांच प्रेक्षणों का यहाँ पर क्या है माध्य दिया हुआ है 11। तो हम इनको क्या कर ले, सबको जोड़ ले, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का साइन कर लो, यहाँ पर भी प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस का साइन, और टोटल कितने, पांच प्रेक्षण है, तो यहाँ पर डिवाइड क्या करते हैं हम 5 से बस। तो यहाँ से आपके सामने एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, और आपको एक्स की वैल्यू याद करके लास्ट के तीन मान में यहाँ पर रखनी और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर इसको सोल्व किस प्रकार से करना है दोस्तों वो समझिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, एक्स 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 और ये क्या हो गया एक्स, मतलब टोटल कितने टाइम हो गया, 5 टाइम, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर 20 हो गए, बराबर यहाँ पर 11। ये डिवाइड में तो उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 11 पंजे कितना होता है दोस्तों, 55 होता है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, 5x ये प्लस का है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये 35। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, यहाँ से x बराबर आ गया आपका 7। इतना समझ में आया आपको। अब पूछा क्या है आपको कि अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। अंतिम तीन कौन से, देखो ये है यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थ्री है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू जब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा x प्लस फोर, उसके बाद क्या है यहाँ पर x प्लस सिक्स, देन यहाँ पर क्या है x प्लस एट। अब आपके पास x की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 11, 7 और 4 11 प्लस यहाँ पर भी 7 रख देंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 प्लस यहाँ पर 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और इनका भी आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, माध्य मतलब एवरेज आपको ज्ञात करना है। तो मैं डिवाइड बाय क्या कर दूं, 3, तो इन सबको जोड़ के मैं डिवाइड 3 कर दूं, क्योंकि तीन संख्या है, अगर चार संख्या बोलता लास्ट की तो 4 से डिवाइड करते और x प्लस 2 को भी शामिल कर लेते, लेकिन 3 का बोला है तो हमने 3 डिवाइड करा, 2 का बोलता तो 2 करते, लास्ट संख्या पूछता तो क्या करते हम x प्लस 8 में 7 जोड़ देते, तो कितना हो जाता है, इनका औसत 15 हो जाता, लेकिन हमें लास्ट 3 का बोला है तो हमने इन तीनों को x की वैल्यू रख दी और यहाँ पर क्या कर लिया, जोड़ के 3 से डिवाइड कर लो। तो देखो सबसे पहले 8 होगा तो क्या होगा, 1 और 3 कितना होगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 39 डिवाइड में 3, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो लास्ट जो तीन प्रेक्षणों का जो माध्य आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों, तो 13। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला है, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला अगर आप वैसा करने लग जाओगे तो आपके सारे ही क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको पांच प्रेक्षणों का आपको क्या दिया था, माध्य दिया हुआ था, माध्य मतलब औसत ही होता है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया कि 5 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 प्रेक्षण थे। उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, जो x की वैल्यू है वो लास्ट 3 प्रेक्षणों में रखे, यहाँ पर हमने उसका क्या कर लिया दोस्तों, एवरेज या माध्य ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स आर रिस्पेक्टिवली 100 रुपीज एंड 150 रुपीज, फाइंड प्रिंसिपल। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रिंसिपल मतलब मूलधन ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए तथा 150 रुपए,
तो मूलधन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या करा दोस्तों, कंफ्यूजन करने के लिए आपको 2 साल दे दिए और 2 बार साधारण ब्याज दे दिया, लेकिन आपका जो सवाल करने का जो तरीका होगा वो हर केसेस में क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितनी है दोस्तों, 5% है। समय कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 साल है, मतलब 2 ईयर्स का क्या है दोस्तों समय, तो 2 ईयर्स का समय होगा तो इसके सामने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पर 100 रुपए। अगर समय 2 वर्ष होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपए, और 3 वर्ष होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा, 150। यहाँ पर क्या है, समय जब 3 ईयर्स होता है तो साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, ऐसा ही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल समान होता है दोस्तों। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए होगा तो 2 साल का भी 50 होगा, तीसरे साल का भी 50 होगा, मतलब ब्याज जो है वो बढ़ता नहीं है, जो ब्याज फर्स्ट ईयर रहता है वही अंतिम या लास्ट ईयर तक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है प्रिंसिपल ज्ञात करना है। देखो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, प्रिंसिपल बराबर होता है या मूलधन बराबर होता है SI गुणे में 100, डिवाइड में क्या होता है दोस्तों यहाँ पर R × T। क्लियर है इतना आपको। अब देखो आपके सामने दो समय है, एक तो 2 ईयर है और एक 3 ईयर है, और SI क्या है, 100 है और 150 है, तो या तो आप ये वाला समय लो तो आपको ब्याज ये लेना पड़ेगा, अगर आपको ये वाला समय लेना है तो फिर ब्याज ये लेना पड़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर केसेस में क्या है दोस्तों, सेम है। तो हम यहाँ पर चलो मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगा। सबसे पहले हम 2 ईयर्स का समय ले लेते हैं, तो P ज्ञात करना है, SI कितना है, 2 ईयर्स का समय लेंगे तो SI हो जाएगा 100, उसके बाद यहाँ पर 100 जुड़ा हुआ है तो क्या होगा 100, देन डिवाइड में क्या होगा R%, तो आपकी 5% सेम है, देन समय कितना हो जाएगा 2, तो देखो 5 और 2 10 से 1 0 कैंसिल, तो 100 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना जाएगा 1000, मतलब आपका जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, मतलब 1000। अगर इसी क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो और समय 3 ईयर्स लेते हो और साधारण ब्याज का लेना पड़ेगा 150, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, P बराबर आपके सामने क्या है दोस्तों, सबसे पहले साधारण ब्याज आएगा तो कितना होगा 150 गुणे में कितना हो जाएगा 100, देन यहाँ पर कितना होगा R है जो आपके पास 5%, देन यहाँ पर क्या है समय कितना होगा 3 ईयर्स होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 ईयर्स का समय मत लेना, जो समय है और जिसका जो ब्याज है वही आपको लेना है। देखो 5 3 15 से 15 कैंसिल, मतलब कितने हो गए 10 और गुणे में 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से भी 1000, तो यहाँ से भी आपका जो प्रिंसिपल जो होगा, जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि A, B और C एक काम को 707 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं, मतलब अगर A, B और C मिलकर काम को करेंगे तो कितने रुपए में ठेके में पूरा कर लेंगे, 707 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं तथा शेष बचा सी अकेले पूरा करता है, तो सी को कितनी मजदूरी रुपए में मिलेगी वो यहाँ पर आपको फाइंड करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे A, B और C तो कितने रुपए मिलेंगे उनको, 707 रुपए मिल जाएंगे। आगे ये बोला है दोस्तों कि जब ए और बी एक साथ मिलकर, मतलब क्या है कि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम का 5/7 भाग, मतलब जो टोटल जो है उसका कितना 5/7 भाग पूरा करते हैं और शेष सी अकेले पूरा करता है, तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी दोस्तों। देखो यहाँ पर अगर मैं A, B, C में से AB का जो 5/7 काम माइनस कर दूं तो मुझे क्या सी की मजदूरी मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 707 × 5/7, यहाँ से क्या होगा AB से AB माइनस तो बच जाएगा क्या सी, तो इसको कैंसिल कर लो, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 से 1 टाइम फिर 0 फिर 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 101 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना होगा दोस्तों 505, और ये जो 505 रुपए की जो मजदूरी है वो किसकी है AB की, तो टोटल मजदूरी है 707 707, तो अगर मैं 505 मतलब AB की मजदूरी जो माइनस कर लूँ तो यहाँ से फिर क्या निकल के आ जाएगा सी, क्योंकि अगर AB में से AB कैंसिल होगा तो बचेगा क्या सी बच रहा है, तो बस यहाँ से सी की जो मजदूरी होगी जो या वेजेस होगा वो आ जाएगा यहाँ से, तो देखो 7 में से 5 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 2, फिर यहाँ पर 0 फिर 2 मतलब कितना आ गया 202 रुपये, तो जो सी की जो मजदूरी होगी मतलब शेष बचा काम सी को अकेला पूरा करता है तो सी की मजदूरी कितने रुपए की बन जाएगी दोस्तों 202 रुपए की, तो यहाँ से आपको क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं करना, जैसा हमें क्वेश्चन बोला था कि ABC को 707 रुपये मिलते, AB को कितना मिलता है
उस काम का 5/7, तो हमने 707 का 5/7 निकाला तो कितना है 505, मतलब ये तो ए बी को मिलता है, तो फिर बचा कुचा किसको मिलेगा, सी को ही तो मिलेगा, जो कि कितने रुपए हो जाएगा, 202 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² + 3y + 2 = 0 आर, मतलब द्विघात समीकरण y² + 3y + 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, जहां पर मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि व्यापम में हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते ही। अब इस क्वेश्चंस की बात करें यहां पर, तो क्या है दोस्तों कि सबसे पहले y² + यहां पर क्या है 3y + 2 = कितना है 0। सबसे पहले दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपने विदाउट पेन इस क्वेश्चंस को सही कर दिया होगा और राइट भी हो गया होगा आपका। अब देखो यहां पर हमें पता है कि y² + 3y + 2, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि जो y का जो कोफिशियंट होता है वहां, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या होगा 2 होगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार से करना है कि 3 के ऐसे फैक्टर करना है या टुकड़े करना है, जहां पर मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए प्लस का 2 और योग करे तो क्या आना चाहिए प्लस का 3। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्लस का 2 और प्लस का 1, अब इन दोनों का मैं योग करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 2 और प्लस का 1 का तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो देखो ये मतलब हमारे फैक्टर क्या हो गए प्लस के 2 और प्लस के 1। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट काम क्या होता है कि साइन को चेंज करना, मतलब प्लस वाला होगा तो क्या कर देंगे माइनस में, तो ये प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों ही संख्या क्या है प्लस की, तो लास्ट काम होता है हमारा माइनस करना। और यहाँ पर कोफिशियंट कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जब आप 1 से डिवाइड करोगे भी सही तो -2 को 1 से डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -1 को भी 1 से डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा -2 और -1। तो बस यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करना है, जो कि आपके सामने दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा है हमने, मैंने इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी जैसे मैं एक बार उसको क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बता देता हूँ, सबसे पहले क्या है y² + 3y + 2, यहाँ पर आपको क्या करना है कि y का जो कोफिशियंट रहता है सबसे पहले तो उसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। तो देखो यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं, मतलब 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना होगा 2। उसके बाद जो 3y होता है ना, उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर ये 2 आए, और क्या प्लस का 2 आना चाहिए, क्योंकि साइन प्लस के, देखो सभी जगह साइन प्लस के, यहाँ पर साइन प्लस का है प्लस का है, और योग करने पे क्या आना चाहिए 3, तो यहाँ पर प्लस का 2 ले लूँ और प्लस का 1 ले लूँ तो योग करने पे क्या होगा 3, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा प्लस का 2। उसके बाद आपका लास्ट काम होता है कि साइन चेंज कर लो, अगर ये प्लस का है तो हमने माइनस का कर लिया, और ये भी प्लस का है तो इसको माइनस का कर लिया, और कोफिशियंट यहाँ पर 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई भी यहाँ पर फर्क पड़ने वाला नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 2 और माइनस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब यहाँ पर जो एक सीरीज दी हुई है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो आपको क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है दोस्तों, यहाँ पर 350 है, देन कितना है 372 है, देन कितना है दोस्तों 396, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है, देन यहाँ पर कितना है 450। दोस्तों देखो सबसे पहले मैंने आपको सीरीज के क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, तो मैं आपको हमेशा सीरीज के क्वेश्चंस जब भी आप सोल्व करो तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है कि जो सीरीज है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर क्या है 350, 372, 396 क्वेश्चन मार्क और 450, मतलब यहाँ पर देखो वृद्धि हो रही है, सबसे पहले 350, फिर 372, 396 क्वेश्चन मार्क, 450, लेकिन दोस्तों देखो वृद्धि क्या है प्लस में हो रही है, ताकि देखो अगर मल्टीप्लाई अगर 2 करता हूँ मैं 350 में तो 750 आना चाहिए, अगर 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 750, लेकिन यहाँ पर तो 372 है, अगर 372 में भी आप मल्टीप्लाई करके देखो तो संख्या एकदम, मतलब जब भी संख्या एकदम या बहुत तेजी से बढ़े तब आपको वहां पर मल्टीप्लाई का लॉजिक चेक करना है, अदरवाइज आपको या तो प्लस का लॉजिक चेक करना है या माइनस का लॉजिक चेक करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ही देखते से ही आपको पता चल जाए, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको देखते से ही पता चल जाती है कि सीरीज में क्या लॉजिक होने के चांसेस यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँ तो क्या होगा 372 बढ़ा है 350 से, तो प्लस का साइन आएगा क्योंकि बढ़ रही संख्या, तो क्या होगा सबसे पहले 2, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 मतलब 0 में से 2 में से 0 जाएंगे तो 2, उसके बाद 7 में से 5 जाएंगे तो 2, फिर 3 में से 3 जाएंगे तो कितना जाएंगे 22, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, अब 6 में से 2 जाएंगे कितने बच जाएंगे 4, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, उसके बाद 3 में से 3 गए तो 0, मतलब देखो यहाँ पर 22 से, यहाँ पर 24 से,
मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा, 26 होने के चांसेस है, तो 26 रख के देख लो, तो यहाँ पर 396 में 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और जो कितना हो जाता दोस्तों 12, 9 और 1 10 और 2 कितना होगा 12, फिर एक हासिल बच जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 कितना होगा 4, मतलब 422। अब देखो 422 आपके सामने ऑप्शंस में है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपके सामने क्या आना चाहिए कि जब 422 रखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए दोस्तों, 28 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। मतलब यह आपका लॉजिक क्या हो गया दोस्तों, एकदम राइट हो गया। मतलब यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला 422 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको